ओके सो फर्स्ट ट्रिक करने के लिए आपको नो में इस लोकेशन पे आ जाना है एंड यहाँ पर आने के बाद आपको जेट पैक यहाँ पर ऑन कर लेना है। उसके बाद टावर के फर्स्ट वाले एंटीना के ऊपर यहाँ पर उड़ के चले जाना है एंड यहाँ पर आपको बूस्ट कर लेना है पावर को। उसके बाद फिर से इसके ऊपर वाले एंटीना पे जाना है एंड फटाक से यहाँ पर वेट करके बूस्ट कर लेना है पावर को। फिर उसके बाद इसके ऊपर वाले एंटीना पे जाना है एंड इसी तरीके से आपको यहाँ पर सबसे ऊपर चले जाना है कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पर से आपको ध्यान से देखना है, गाइस यहाँ पर टावर के डंटी के पास आकर बूस्ट कर लेना है। फुल पावर यूज करने के बाद भी आप इसके ऊपर नहीं जा पाओगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बूस्ट करना है एंड यहाँ पर नीचे में ये जो छोटा सा डंटी दिख रहा है यहाँ पर अटक के बूस्ट करना है अपने पावर को। फिर उसके बाद आप इजीली यहाँ पर ऊपर आ पाओगे। अब गाइस यहाँ पर वेट करना है, जैसे ही बूस्ट हो जाता है उसके बाद सेंटर वाले जो पिलर है ना टावर का, यहाँ पर आपको एडजस्ट करके आ जाना है एंड यहाँ पर एग्जिट कर जाना है। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब, आप एडंगल के सबसे हाइट वाले लोकेशन पे आ चुके हो एंड यहाँ पर आपको कोई भी एनिमी स्पॉट नहीं कर पाएगा। खासकर लास्ट सर्कल यहाँ पर बन गया तो यहाँ पर से आपको काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ से आप ब्रिज के बंदों को या फिर नोवो के बंदों को ईजिली मार सकते हो। अगर आपके पास एटैक्स वगैरह है तो आप यहाँ पर से स्नाइपिंग वगैरह भी कर सकते हो। गाइस पूरा का पूरा यहाँ पर से एनिमी को आप सरप्राइज कर सकते हो, जो भी बंदे पे ट्रॉल पंप के पास हो या अगल बगल में कहीं पर भी दिखते हैं उनको आप इजिली मार सकते हो। अब गाइस बिना डैमेज के नीचे उतरने के लिए आप फिर से जेट पैक का यूज कर सकते हो। अगर आप जेट पैक का यूज नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली आपको जंप कर जाना है एंड यहाँ पर पैराशूट वाला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है, इजिली आप बिना डैमेज के आप नीचे आ जाओगे। सो गाइस ले चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब गाइस यहाँ पर आपको असेंबली बेस के किसी भी लोकेशन पे आ जाना है, यहाँ पर आपको जेट पैक ऑन कर लेना है एंड उसके बाद जो भी यहाँ पर बड़ा वाला स्मोक दिखता है ना उसको यहाँ पर आपको मैग्नेटिक गन के थ्रू यहाँ पर आपको इसको ऊपर लेके जाना है एंड जो भी अगल बगल में पेड़ आपको दिखता है उसके ऊपर यहाँ पर बहुत ही सावधानी से प्यार से यहाँ पर ऊपर की तरफ ले जाना है एंड यहाँ पर अटका देना है। जैसे यहाँ पर स्मोक यहाँ पर अटक जाता है फिर से आपको जेट पैक यहाँ पर यूज कर लेना है एंड यहाँ पर आपको इसके पावर को यूज करके ऊपर जाना है एंड गाइस यहाँ पर आपको एडजस्ट करके इस स्मोक के ऊपर आना है एंड ऊपर आते ही यहाँ पर आपको एग्जिट कर देना है। एग्जिट करते ही भाई साहब आप यहाँ पर एक हिडन लोकेशन पर आ जाओगे, यहाँ पर कोई भी एनिमी आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा, चारों तरफ से आपको पत्तों का कवर मिल जाएगा एंड इतने हरे भरे लोकेशन पे ना कोई भी आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा इतने हाइट पे। यहाँ तक कि मैं आपको 3D व्यू भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कोई भी स्पॉट नहीं कर पाएगा। देख सकते हो कितना छोटा मैं दिख रहा हूँ पत्तों के बीच में, यहाँ पर जंप कर रहा हूँ एंड यहाँ पर FPP स्विच करके आपको काफ़ी अच्छा एंगल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एनिमी तो आएंगे ही तो उनको आप कुछ इस प्रकार से मार सकते हो, देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ से प्यारा एंगल आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है। अब गाइस यहाँ पर से बिना डैमेज के अगर आपको नीचे उतरना है तो सिंपली आपको पैराशूट वाला ऑप्शन यूज़ कर लेना है एंड ऐसे ही नॉर्मल भी अगर आप जंप करोगे तो आपका उतना हेल्थ नहीं जाएगा। सो गाइस फिलहाल ले चलते हैं एक और ट्रिक की तरफ। अब गाइस यहाँ पर ये ट्रिक यूज़ करने के लिए आपको स्टील आर्क के पास आ जाना है एंड यहाँ पर स्टील आर्क के बैक साइड में कई सारे इंजन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर इंजन के पास आ जाना है। देख सकते हो इंजन के बीच में गैप है, यहाँ पर आपको जंप लगाना है एंड जॉयस्टिक को मूव करके आप इजिली इसके अंदर आ सकते हो। अब गाइस यहाँ पर एक हिडन लोकेशन है जहाँ पर आपको कोई भी एनिमी स्पॉट नहीं करने वाला है। देख सकते हो मैं कितना छोटा लग रहा हूँ, दूर से तो एनिमी मुझे देख भी नहीं पाएगा। अब गाइस यहाँ पर आने का फायदा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी एनिमी स्पॉट नहीं कर पाएगा एंड जो ही बंदे पीछे आपको दिखते हैं वहाँ पर से आपको काफ़ी अच्छा एंगल मिल जाएगा, इजिली आप यहाँ पर मार सकते हो। यही नहीं आप ऊपर की तरफ भी बंदे जो इस साइड रहेंगे उनको भी आप इजिली मार सकते हो। अब गाइस बिना डैमेज के नीचे उतरने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर जंप कर जाना है एंड पैराशूट वाले ऑप्शन को यूज कर लेना है, आप इजिली बिना डैमेज के इसके नीचे आ जाओगे। सो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब गाइस यहाँ पर ये ट्रिक यूज करने के लिए मिल्टा पावर में आ जाना है एंड यहाँ पर आते ही भाई साहब आपको यहाँ पर जेट पैक यूज कर लेना है। जेट पैक यूज करने के बाद आपको उड़कर इस साइड आ जाना है। देख सकते हो यहाँ पर ये जो बड़ा सा टावर देखने को मिल जाता है यहाँ पर आ जाना है। इसके ऊपर आप डायरेक्टली नहीं जा पाओगे बट मैं आपको एक इजिली ट्रिक बताने वाला हूँ, सिंपली आपको इस वेयर हाउस के ऊपर आ जाना है। वेयर हाउस के ऊपर आते ही आप यहाँ पर जो फर्स्ट बालकनी है इस पर जाना है, पहले आपको थोड़ा सा पीछे आ जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर जंप वाला बटन आपको टैप टैप करके आपको ऊपर की तरफ ले जाना है। टैप टैप करके ऊपर जैसे ले जाओगे यहाँ पर भाई साहब आप फर्स्ट वाले बालकनी पे काफी इजीली तरीके से आ जाओगे। अब गाइस यहाँ पर आपको पावर को बूस्ट कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इस साइड गैप है, यहाँ पर आपको बाहर निकलना है एंड फिर से आपको जंप वाला बटन यूज करके ऊपर आ जाना है एंड यहाँ पर देख सकते हो फिर से आपको पावर को बूस्ट कर लेना है एंड फिर से आपको ऊपर की तरफ जाना है, फिर से यहाँ अटकना है एंड पावर बूस्ट करना है, फिर ऊपर जाना है एंड फिर अटकना है, फिर पावर बूस्ट करना है एंड सेम प्रोसेस को फॉलो करते चले जाना है एंड करते हुए आप काफ़ी इजी तरीके से यहाँ पर इस बड़े वाले टावर को आप इजीली क्लाइंब कर सकते हो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो एंड यहाँ पर एग्जिट करते ही भाई साहब आप इसके ऊपर आ जाओगे एंड गाइस कोई भी बंदा एरेंगल में आपको यहाँ पर स्पॉट नहीं करने वाला है एंड खासकर यहाँ पर अगर लास्ट सर्कल बन गया तो काफ़ी सारे किल आप यहाँ पर से उठा पाओगे एंड यहाँ पर आपको हैकर भी आपको नहीं मार पाएगा एंड देख सकते हो काफ़ी अच्छा एंगल यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। हर तरफ बंदों को आप स्पॉट कर सकते हो एंड उसको इजीली आप मार सकते हो।
यहाँ तक कि अगर आपके पास स्कोप वगैरह है तो आप काफ़ी दूर दूर तक के बंदों को भी आप मार सकते हो हाइट एडवांटेज लेके। जैसे यहाँ पर फैक्ट्री के बंदों को भी आप यहाँ पर से मार सकते हो अगर आपके पास 6x या फिर 8x हो तो गाइस यहाँ पर इस ट्रिक के लिए 1 लाख तो बनता है। अब गाइस बिना डैमेज के नीचे उतरने के लिए आप जेट पैक का तो यूज़ कर ही सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पर से अगर आप डायरेक्टली जंप करते हो तो पैराशूट वाले ऑप्शन को आपको यूज़ कर लेना है एंड बिना डैमेज के आप नीचे आ जाओगे। अब गाइस ये ट्रिक करने के लिए आपको स्टील आर्क के इस लोकेशन पर आ जाना है, एग्जैक्टली देख लो। एंड यहाँ पर आने के बाद आपको इसके अंदर चले जाना है। अंदर आते ही यहाँ पर आपको ये जो रेलिंग देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको एक फटाक से जंप लगा देना है एंड दूसरा जंप लगा के जॉयस्टिक को यहाँ पर एडजस्ट करके यहाँ पर आ जाना है। एंड यहाँ पर क्राउच होने के बाद कोई भी एनिमी आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर से काफ़ी सारा किल यहाँ पर से आप उठा सकते हो, जो भी बंदे नीचे दिखते हैं उसको तो आप मार ही सकते हो, साथ ही साथ जो बंदे ऊपर आएंगे उनको यहाँ पर मार कर आप तुरंत कवर में जा सकते हो। एंड काफ़ी अच्छा यहाँ से आप कवर का यूज़ करके एनिमी वगैरह को आप मार सकते हो, देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ से एंगल मिल जाता है। एंड यहाँ पर एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हो एनिमी को कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। जब तक वो आपको स्पॉट करेगा तब तक आप उसको नॉक दे पाओगे। एंड यहाँ से आप लोकेशन चेंज भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप नीचे जा सकते हो अगर आपको यहाँ पर कोई एनिमी देख लेता है तो। नेक्स्ट ट्रिक करने के लिए आपको पोचिंकी में जेट पैक लेकर आ जाना है एंड यहाँ पर टावर के जस्ट बगल में जो सामने घर दिखता है इसके ऊपर आ जाना है एंड यहाँ पर बूस्ट कर लेना है अपने जेट पैक के पावर को। एंड सामने की तरफ जो टावर है उसके ऊपर यहाँ पर आपको जेट पैक के पावर को यूज करके ऊपर चले जाना है। एंड यहाँ पर आने के बाद कोई भी एनिमी आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा, पूरा का पूरा पोचिंकी आप यहाँ से कवर कर सकते हो, जो भी बंदे आपको नीचे दिखेंगे उनको आप इजिली सरप्राइज कर सकते हो। देख सकते हो काफ़ी अच्छा ये ट्रिक है जो कि आप मुश्किल समय में आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा एंगल देखने को मिल जाता है, जो भी बंदे अगर आपको अगल बगल में दिखते हैं उनको आप इजिली यहाँ पर से मार सकते हो, यहाँ तक कि स्क्वाड हाउस भी यहाँ पर से आप इजिली स्पॉट कर पाओगे। एंड बिना डैमेज के नीचे उतरने के लिए जेट पैक का फिर से इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप फिर से जंप करके पैराशूट का यूज़ कर सकते हो। सो गाइस इस ट्रिक के लिए 1 लाइक तो बनता है। फिलहाल ले चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब गाइस नेक्स्ट ट्रिक करने के लिए आपको प्रिजन में आ जाना है, फिर से आपको जेट पैक का इस्तेमाल करना है। एंड यहाँ पर जो भी टावर आपको देखने को मिल जाते हैं स्नाइपर टावर, यहाँ पर इसके ऊपर आ जाना है। एंड यहाँ पर ये जो बालकनी देखने को मिलता है यहाँ पर एग्जैक्टली अटैक करके आ जाना है। एंड यहाँ पर एग्जिट करते ही आप यहाँ पर इस बालकनी में आ जाओगे, उसके बाद यहाँ पर जंप लगा के इसके अंदर आ जाना है। एंड यहाँ पर आने के बाद कोई भी बंदा आपको स्पॉट नहीं करने वाला है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये लोकेशन हो जाता है। प्रिजन में कई बार जोन बन जाता है तो उस सिचुएशन में ये ट्रिक यूज़ करके आप यहाँ पर कैंप कर सकते हो एंड यहाँ पर जो भी बंदे आपको अगल बगल दिखते हैं उसको आप मार सकते हो। यहाँ पर से काफ़ी अच्छा एंड प्यारा नज़ारा देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो हर वेयर हाउस के ऊपर आप नज़र रख सकते हो, उसके साथ साथ सामने वाले बिल्डिंग पे आप नज़र रख सकते हो, साथ ही साथ ऊपर की तरफ जो भी बंदे पहाड़ के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे उनको अभी आप इजिली यहाँ पर से मार सकते हो। अगर आपके पास स्कोप है या फिर आप स्नाइपिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इस लोकेशन पर भी आ सकते हो। सो गाइस इस ट्रिक के लिए 1 लाइक तो बनता है। अब गाइस बिना डैमेज के नीचे उतरने के लिए फिर से आपको पैराशूट वाला यूज़ करना है एंड अगर आप ठीक से यूज़ नहीं करोगे हेल्थ कम रहा तो आपकी पेटी भी बन जाएगी। अब गाइस ये ट्रिक करने के लिए आपको यहाँ पर जेट पैक ले लेना है, जहाँ पर भी आपको चर्च देखने को मिलता है यहाँ पर ये जेट पैक का यूज़ करके आप इस चर्च के ऊपर जा सकते हो। यहाँ पर जंप वाला बटन आपको यूज़ करना है एंड काफ़ी आसानी तरीके से एक ही बार में आप यहाँ पर इसके ऊपर आ जाओगे। एंड यहाँ पर आपको अच्छा खासा एंगल देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। एंड यहाँ पर से जो भी बंदे आपको दिखते हैं उनको आप इजिली मार सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पर से बिना डैमेज के अगर आपको नीचे उतरना है तो सिंपली आपको जेट पैक फिर से यूज़ कर लेना है या फिर आपको क्या करना है आपको पैराशूट वाला ऑप्शन यूज़ कर लेना है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टिप्स ट्रिक्स एंड ग्लिच के वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।